तो गाइज़ यार, अगर आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज करें। दोस्तों, आपको YouTube पर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको पिक्सआर्ट से एडिटिंग करके बैकग्राउंड हटाने को बताया जाता है, लेकिन वो वाला मेथड मुझे कुछ ज़्यादा लेंदी लगता है। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेथड के बारे में बताऊंगा वो मेथड बहुत ही सिंपल है। उसमें सिर्फ आपको एक 2 MB का एप्लीकेशन है, उसे ही डाउनलोड करना है, और उसके टूल्स भी बहुत ज़्यादा कस्टमाइज है जिसे यूज़ करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना होगा। वहाँ जाकर हमें सिंपली सर्च करना है इरेज बैकग्राउंड। सर्च करने पर आपको ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, इसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए दोस्तों, इंस्टॉल कर लेते हैं। मात्र 2 MB का एप्लीकेशन है दोस्तों, तो ये किसी भी मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा रैम के बिना चल जाएगा, तो आप इसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी इंस्टॉलिंग होने लगा है। दोस्तों, अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको एक लोड फ़ोटो का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये एक अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, तो आपको अलाउ करना है सिंपली। उसके बाद आपको वो फ़ोटो सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड आपको इरेज करना है। तो मुझे इस वाली फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो गाइज़, ये यहाँ पर कहता है कि जितना भी क्रॉप हो सके उतना आप कर दे, तो चलिए जितना क्रॉप हो सकता है उतना कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑटो का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, ऑटो पर जाना है। उसके बाद ये रेड कलर वाले को आपको अपने बैकग्राउंड की तरफ ले जाना है, और आप देख सकते हैं कि जितना इसने बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड पीछे का हटा दिया है, अब कुछ जो बचे हुए हैं वहाँ पर इसे ले जाना है और फिर छोड़ देना है। तो अब आप देख सकते हो कि दोस्तों, काफ़ी बैकग्राउंड इसने हटा दिया लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, तो फिर उस बाकी जगह पर भी हमें ले जाना है और उसे वापस वहाँ ले जाके छोड़ देना है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक BG कलर का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने का मोटो मेरा ये था कि आप लोगों को ये अच्छे से दिख सके कि बैकग्राउंड कहाँ कहाँ बाकी है। अब दोस्तों, फिर से इसे हम उस बाकी बैकग्राउंड के जगह ले जाएंगे और वहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद भी दोस्तों, आपको कई जगह छोटे छोटे बैकग्राउंड छूटे हुए हैं, उसके लिए आपको मैनुअल सिलेक्ट करना होगा और फिर जूम करना होगा। जूम करने के बाद यहाँ पर ब्रश का साइज है, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो, तो मैं अभी ये साइज रखूँगा। उसके बाद आपको सिंपली इसे ऐसे ऐसे करके हटा देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ।
तो गाइस यार इतना करने के बाद अगर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आपसे गलती हो जाए तो यहाँ पर आपको अंडो और रीडो दोनों ही हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। तो यार अगर थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में बाकी रह जाए तो आपको यहाँ पर डन करना है। उसके बाद ये आपको स्मूथ पे ले आ देगा। यहाँ पर आपको 5 सिलेक्ट करना है और अब आप देख सकते हो कि इसने सारे जो भी थोड़े थोड़े कॉर्नर्स पे थे उन्हें हटा दिया है और एक परफेक्ट PNG बिना बैकग्राउंड का तैयार हो गया है। आप स्मूथनेस को छोटा बड़ा कर सकते हो, मैं 3 पे रखूँगा, आप 5, 2, 1 जो भी आपको सूट करे आप वो रख सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ सेव पर क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।